समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। SBI का बयान, जनधन खातों का खर्च निकालने के लिए जुर्माना। भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर जुर्माना लगाने के अपने फैसले को उचित ठहराया है। देश के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि उसे शून्य शेष वाले बड़ी संख्या में जनधन खातों के प्रबंधन के बोझ को कम करने के लिए कुछ शुल्क लगाना पड़ेगा। बैंक ने कहा है कि उसे सरकार की ओर से जुर्माने के अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए अभी तक औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली है। यदि सरकार की ओर से कुछ आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। SBI ने ये भी स्पष्ट किया कि जनधन खातों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। पिछले सप्ताह SBI ने खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर जुर्माने के प्रावधान को फिर लागू करने की घोषणा की थी। इसके अलावा उसने अन्य बैंकिंग सेवाओं पर शुल्कों में भी संशोधन किया था। नए शुल्क 1 अप्रैल से लागू होंगे। सरकारी बैंक को अपने इस कदम के लिए विपक्षी दलों सहित अन्य लोगों की ओर से चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। SBI के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा, आज हमारे ऊपर काफी बोझ है, इनमें 11 करोड़ जनधन खाते भी शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में जनधन खातों के प्रबंधन के लिए हमें कुछ शुल्क लगाने की जरूरत है। हमने कई चीजों पर विचार किया और सावधानी से विश्लेषण के बाद ये कदम उठाया है। SBI की संशोधित शुल्कों की सूची के अनुसार खातों में मासिक औसत राशि नहीं रखने पर ₹100 तक जुर्माना और सेवा कर लगेगा। महानगरों में ₹5,000 के MAB पर यदि खाते में जमा राशि इसके 75% से नीचे जाती है तो ये जुर्माना ₹100 जमा सेवा कर होगा। यदि ये राशि 50% या कुछ कम नीचे जाती है तो बैंक ₹50 और सेवा कर जुर्माना लगाएगा। गंतव्य के हिसाब से MAB के लिए जुर्माना राशि भिन्न होगी। ग्रामीण शाखाओं के मामले में ये कम होगी। भट्टाचार्य ने कहा कि सभी बैंकों के खाता धारकों में न्यूनतम राशि रखने का प्रावधान है। SBI ने खाते में जो न्यूनतम राशि का प्रावधान किया है वो सभी बैंकों में सबसे कम है। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए भारत अपनी वीटो शक्ति को छोड़ने को तैयार। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। ग्वाटेमाला में आग लगने से 21 लड़कियों की मौत। कश्मीर में तांबे के 800 प्राचीन सिक्के मिले। और महाराष्ट्र की सरकार अब भी नोटिस पीरियड पर, शिवसेना।